हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एमआरती त्रिवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम एम्पायर में। दोस्तों देखिएगा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नई भर्ती और दो सवाल जो सबसे ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं कि कितने पद और एग्जाम कब होगा। उन सवालों पर आने से पहले दोस्तों, जिन जिनका भी सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में और रिट में सिलेक्शन हो गया है, जिनका रिजल्ट आ गया है, उनको तो बधाई है। और जिनका नहीं हुआ है वो हिम्मत नहीं आ रही दोस्तों, असफलता के बाद ही सफलता आती है। धैर्य बनाए रखें, लोगों को जवाब देने से बचें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपके पड़ोसी होंगे जो आपके जख्मों को कुरेदने की कोशिश करेंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप असफल हो रहे हो या सफल हो रहे हो, बस उनको मजे लेने होते हैं। तो उनको दूसरों को फोकट में मजे क्यों देने, है ना। तो जो भी परेशान करता है, पूछता है, दोस्तों यहाँ पे मुझे पता है ये सिचुएशन आती है, कोई पूछता है कि तेरा क्या हुआ, तेरा क्या हुआ, भाई ऐसे लोगों को पहले ही ब्लॉक कर देना चाहिए था। अगर अभी तक नहीं किया तो ब्लॉक कर दो, सबसे फायदे में रहोगे दोस्तों, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ तुम्हारे मजे लेने होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिएगा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट का, रिट पर भी हम बात करेंगे दोस्तों, है ना, रिट पर भी। और सबसे बड़ा सवाल जो है दोस्तों कि बच्चों के साथ ऐसा सुनने में आ रहा है कि धोखा हो रहा है पद। दोस्तों 1000-2000 की ही बातचीत चल रही है कि वित्त विभाग से इतने ही पदों को स्वीकृति मिली है, क्या सच्चाई है इसमें? और क्या पद ये इतने ना आकर के बढ़े हुए आएंगे? तो हम उन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे और तर्क के साथ करेंगे दोस्तों, ऐसा नहीं हवा में बातें नहीं करेंगे, क्योंकि तर्क क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है, इलेक्शन ईयर है। अब जब गहलोत साहब इलेक्शन ईयर में सभी को कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं, यहां तक कि दोस्तों औरतों को फोन बंटवा दिया है, वो रील्स बना रही है, क्यों? क्योंकि वोट दे सके। अब जितने में फोन बांटे उतने में तो दोस्तों कितना ही कोयला इंपोर्ट हो जाता है, कोयला, और हमारे हर गांव तक बिजली पहुंच जाती है, जहां आज बिजली कटती है, छोटे नन्हे बच्चे दोस्तों, मासूम बच्चे परेशान होते हैं बिजली कटने की वजह से, कितने ही विकास हो जाता है, लेकिन वो फोन बांटे गए क्यों? क्योंकि वोट मिल जाए। तो आपको क्या लगता है कि जब युवा वोट देने जाएगा तो उसके दिमाग में ये बात रहने देगा जादूगर कि हमें कशक है कि वैकेंसी आई लेकिन इतना सा ही उठ के मुंह में जीरा जीतते हुए वैकेंसी आई, ऐसा हो सकता है? और इनका जा क्या रहा है भाई साहब, थोड़ा सोचिएगा। इनको सिर्फ नोटिफिकेशन निकालना है, फॉर्म भरवाना है, वो फॉर्म भरने के पैसे भी ले जाना इनको अपने साथ। अगर सरकार रिपीट होगी तो सोने पे छुआ गए, नहीं हुई तो आगे वाली सरकार जाने। इनका जा क्या रहा भाई, है सोच के देखिएगा इनका जा क्या रहा। तो ये तो पैनिक होना ही नहीं है। उसके बाद दूसरी बात जो है दोस्तों कि आज से पहले इतिहास में याद कीजिएगा, कभी इतनी कम वैकेंसी आई है? 1000 वैकेंसी 2000 वैकेंसी कभी आई है? कभी इतनी तो आरएस की आ जाती है दोस्तों, आरएस एक जिले में 2-3 पोस्ट होती है, वो आ जाती है 1000। तो टीचर तो भाई साहब एक जिले में 1000-2000 होते हैं। तो देखिएगा वर्गीकरण की बात करते हैं दोस्तों कैसे, एक दोस्तों दो स्क्रीनशॉट है जो वायरल हो रहे हैं, आपके पास भी होंगे दोस्तों। देखिएगा ये राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है उसका एक नोटिफिकेशन है, जिसमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है यहाँ दोस्तों ये वैकेंसी का वर्गीकरण दे रखा है। ये मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा एग्जाम एम्पायर पे। और दोस्तों इधर जो है एग्जाम एम्पायर टेलीग्राम चैनल और एग्जाम एम्पायर अपना ऐप भी है, जहां पे मैं जीके याद गारंटी पे चल रहा है दोस्तों, उस पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये शिक्षकों के पदों का गणित आप समझिएगा दोस्तों, प्रिंसिपल के जो पद हैं, एग्जाम डेट पर भी बात करेंगे कब तक पॉसिबल है, क्योंकि सारा चीजें ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होती है सरकारों में, और हम पिछला रिकॉर्ड देखेंगे कि एग्जाम कब होते आए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, ना, उसके आधार पर हम एक अंदाजा लगा पाएंगे क्योंकि बेहतर रणनीति बना के तैयारी कर सकेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों स्वीकृत पद 17000 और रिक्त पद 5000 है। 5000 पद तो प्रिंसिपल के खाली है भाई साहब, देखिएगा वाइस प्रिंसिपल के 12000 पद खाली है, उनको जाने दीजिएगा, हमें कोई परवाह नहीं इनकी, हमें तो चाहिए व्याख्याता की भर्ती, सेकंड ग्रेड की भर्ती और थर्ड ग्रेड की भर्ती। व्याख्याता में 55000 दोस्तों स्वीकृत पद है, इनमें से दोस्तों 17244 जो खाली चल रहे हैं, खाली खाली मतलब नीलबटा सन्नाटा। और जो अभी जो दोस्तों आप सभी को पता है, गहलोत सरकार ने अभी हाल फिलहाल में बजट में कई विद्यालयों को कर्मोन्नत किया है, है ना, उनको हाई सेकेंडरी से हाई सेकेंडरी में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे और शायद वैकेंसीज बढ़ जानी चाहिए। उसके बाद सेकेंड ग्रेड है दोस्तों 1,05,000 है, उनमें से 35,000 खाली है, सेकेंड ग्रेड के 35,000 पर। और कई ऐसी स्कूल है जो 8वीं तक की थी, उनको 10वीं तक 12वीं तक में पदोन्नत किया है दोस्तों, तो यहाँ पे भी भारी वृद्धि है। और थर्ड ग्रेड दोस्तों 2,75,000 पद स्वीकृत है, इनमें से 62,000 पद खाली दोस्तों, 62,000 समझते हो। तो जब इतने पद खाली हैं तो एक अफवाह चल रही है कि व्याख्याता के 2000 पद आ रहे हैं और दोस्तों स्कूल व्याख्या वो सेकंड ग्रेड के 2000 पद आ रहे हैं, यार ये किसके बाद पच रही होगी दोस्तों? मान लीजिएगा, मान लेते हैं कि स्वीकृत इतने को मिली है, लेकिन ऐसा ये प्रोपोगेंडा भी तो हो सकता है सरकार का कि सबके दिलो दिमाग में बिठा दिया जाए कि 1000-2000 पे आएगी और गहलोत साहब आखिरी टाइम में उसको बढ़वा दे, बच्चे खुश हो जाएंगे और उनको चाहिए क्या, वोट ही तो लेने कुछ करके।
वैकेंसी तो जब होगी तब होगी, जब भी जैसे भी होगा तो उनको वोट ही तो लेना है। तो दोस्तों ये मुझे लगता है पद तो बढ़ के आएंगे दोस्तों, बढ़ेंगे ना, तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि सर इतने ही पद आएंगे। 1000 पद में से इंटेलिजेंट बच्चे जिनका ऑलरेडी 2x में हो चुका है वो ही ले जाएंगे ये वो, हालांकि ओवरटेक करना और ओवरटेक जी की याद गारंटी बेस से होंगे, ठीक है। तो हालांकि बिल्कुल सही बात है कि जैसे 10,000 वैकेंसी के लास्ट टाइम भर्ती थी तो 20,000 को पास किया था, तो वो 20,000 जो 10,000 बच्चे बच गए उनको आपको ओवरटेक करना है। तो वो कैसे होगा, जब आपको चीजें याद रहेगी और याद में करवाई रहा हूं आपको पता ही, ठीक है ना। तो देखिएगा, तो ये पद तो बढ़ के आएंगे, मस्त रहो, बढ़ के आएंगे, मैं कह रहा हूँ लिखवा के ले लो, बढ़ के ही आएंगे। और नहीं आएंगे तो बढ़वा देंगे भाई साहब, फिर अपन उछल कूद कर लेंगे थोड़ी सी, ऐसा तो नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों परीक्षा कब है ये भी तो है कि एग्जाम कब तक हो सकता है ना, एग्जाम जो है वो कब तक हो सकता है, किसका, फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का, हम रिट पर भी आएंगे दोस्तों, ठीक है, सेकंड ग्रेड का। तो देखिए उस पर आने से पहले जी की याद गारंटी पेज आप सभी को पता है मैं पढ़ाता नहीं हूं, याद ही करवाता हूं। और मैंने एक और नया ट्रेंड देख रहा हूं मैं दोस्तों यूट्यूब पर, कुछ टीचर्स है ना बड़े स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं कि हमारे यहां से सिलेक्शन हो गया, हमारे यहां से हो गया। मुझे हंसी आती है उनका देख कर यार, कि यार एक बच्चा कहीं एक जगह से पढ़ता है क्या, सिलेक्शन तो सब जगह से हो रहे हैं। और वो बच्चे, उनको बिल्कुल परवाह नहीं उन बच्चों की जिनका सिलेक्शन हो गया, वो तो वैसे यूट्यूब नहीं देख रहे है ना, वो तो पता नहीं अपने जिंदगी के मजे ले रहे है ना। और जिनका नहीं हुआ उन बच्चों को आप जला रहे, उनको डिमोटिवेट करो दोस्तों। पता है किस दोस्त का सिलेक्शन हो जाता है तो खुशी तो होती है, लेकिन मतलब हो जाता है तो खुशी के साथ साथ दुख ज्यादा होता है, अपना नहीं होता दोस्त का हो जाता है ना, दुख ज्यादा होता है। तो अब देख रहे हैं कि वहां पे स्क्रीनशॉट है यार, पता है मुझे भी कई सारे बच्चों ने, मैंने भी टेलीग्राम पे डाला नंबर कि जिसका भी सिलेक्शन हुआ भाई साहब डेरू मैसेज आ जाएगा, सैकड़ों मैसेज आ गए, बच्चे मार्कशीट सेंड कर रहे हैं ये वो, सर तुम्हारी वजह से होगा, तुमने इतने मुश्किल टॉपिक याद करवाए, अगर वो नहीं होते तो आज हमारा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, खनिज जैसे चित्रकला, कोपेन, कृषि जलवायु खंड, बहुत तेरे टॉपिक मैंने याद करवाए, तो चाहता तो मैं भी डाल देता, मैं सोचा भी कि मैं डाल दूं ताकि कुछ बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाए। मैं यार इन्फ्लुएंस जिस बच्चे को ये पता नहीं पता कि याद करवा रहे हैं सर, तो वो इस चीज से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा तो इन स्क्रीनशॉट से क्या होगा, सोचने की बात है ना। मतलब बच्चों को पता है कि मैं याद ही करवाता हूं सीधा, इस चीज से अगर बच्चा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ तो फिर उन स्क्रीनशॉट का क्या है, वो तो कहीं से भी लाया जा सकते हैं ना, बिल्कुल सही बात है ना, वो तो मैं आर्टिफिशियल भी लाए जा सकते हैं। तो ये बात है, तो कहने का मतलब मैंने ना ही शेयर करने का डिसीजन लिया कि बच्चों पे छोड़ देते हैं, तो बच्चों को बताया कि मैं याद ही करवाता हूँ। तो दोस्तों ये जीके याद गारंटी पे चल रहा है, ज्वाइन कर लो, जिसको करना है कर सकते हो। और दोस्तों जीके के साथ साथ पॉलिटी का डर भी भूत भगाओ ना, जीके याद गारंटी पे ज्वाइन करो और जीके के साथ साथ पॉलिटी का भूत भी भगाओ दोस्तों। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर रखा सबसे ऊपर, तो ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। इसमें जीके के सभी विषय, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, करंट अफेयर्स हो, आर्थिक समीक्षा हो, वर्ल्ड ग्राफी हो, सारे ही टॉपिक जीके के मैं याद ही करवा रहा हूं, बैच चल रहा है, रिकॉर्डेड याद कराने वाली क्लासेस डाल रहा हूं, पीछे रह जाओगे, बाद में जब भर्ती आ जाएगी, एग्जाम नजदीक आ जाएगा, रिवीजन का टाइम भी नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि लगभग 80 क्लासेस हो चुकी है ना, 80 क्लासेस हो चुकी है। अब 80 क्लासेस लेने में आपको अभी तो 20 दिन लग जाएंगे ना, उसके बाद फिर आप लगातार कर पाओगे कंटिन्यू, तो क्यों पीछे हो रहे हो ये बताएगा, क्यों पीछे हो रहे हो आप, अगर आपको ज्वाइन कर, क्योंकि याद ही करना है। और आपको पता है मैं जिस दिन पूरा जी की याद करवा दूंगा उस दिन आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना, आराम से निकाल लोगे दोस्तों। और मेरा लक्ष्य है कि अभी मतलब दिसंबर तक मैं करवाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद रिवीजन का टाइम बचेगा और कुछ बच्चे बाद में जाएंगे जो भर्ती आएगी। भाई भर्ती तो देखो सितंबर में तो आ रही है, और जो एग्जाम हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, पीछे 2-3-4-5 वैकेंसी को रिकॉल कीजिएगा, ज्यादातर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है वो दोस्तों जुलाई अगस्त सितंबर इसी दरमियान होता है दोस्तों ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर जो बीच के महीने होते हैं ना उसी में करवाया जाता है। क्यों, क्योंकि उस दोस्तों बोर्ड के एग्जाम होते हैं जैसे मार्च अप्रैल में, और अभी भी अधीनस्थ बोर्ड का आपने देखा मार्च अप्रैल में बहुत सारे एग्जाम करवा दिए, जो कि शायद कम पॉसिबिलिटी है वो मार्च अप्रैल से दोस्तों अप्रैल मई जून में जा सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद जो एग्जाम होना दोस्तों ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का, अभी तक जो लग रहा है ये दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्जाम जो है ये मान के चलेगा दोस्तों जुलाई अगस्त में ना, जुलाई अगस्त में हो सकता है ना, हो सकता है और हो के रहेगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी खाली है, क्योंकि जुलाई अगस्त में होगा, फिर एग्जाम होने के बाद भी इनका एक साल आगे तक प्रोसेस चलता है ज्वाइनिंग में, तो ज्वाइनिंग में तो बहुत लेट हो गया। अब आप ये सोच के देखो, अपने आप से पूछो कि अभी 23 चल रहा है, 24 में एग्जाम होगा और 25 में ज्वाइनिंग होगा या 24 दिसंबर तक ज्वाइनिंग होगा, मान लीजिएगा, आप सोच के देखो दोस्तों, अगर इस वैकेंसी में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप कितना आगे चले जाओगे। तो अपने आप को बार बार कितने मौके दो दे, इसको आखिरी टेम्प मानो और अभी से लग जाओ तैयारी में, क्योंकि दोस्तों जो अभी से पढ़ रहा है ना, जो
तो वही दोस्तों फिर तो चुड़िया चुक गई खेत फिर रिवीजन का। अभी दोस्तों आरएस वालों का देख लो, उनको रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे ही आपके साथ रिट में हुआ था दोस्तों, रिट में नोटिफिकेशन दिया और 2 महीने बाद का एग्जाम डेट दे दिया, फटाफट से सारा खेला हो गया। हालांकि उस टाइम मैंने बहुत सारे टॉपिक याद करवाए थे, लेकिन सोचेगा थोड़ा और टाइम होता तो मैं और ज्यादा टॉपिक याद करवा पाता और आपका सिलेक्शन शायद पिछली वैकेंसी में हो गया होता, है ना। तो ये बात तो अब मैं पूरा याद करवा रहा हूँ, तो उसको ज्वाइन करो यार, 80 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी है इसमें, है ना। तो अब आप कहोगे सर गुस्सा क्यों कर रहे हो कि आप ऐसे मतलब फोर्स क्यों कर रहे हो हम ज्वाइन करें भाई साहब, क्योंकि मुझे पता है जब सपने बहुत करीब से टूटते हैं ना उस टाइम बहुत बुरा लगता है। और ये बच्चे होते हैं ना ऐसा ही सोचते हैं कि सर हम आप इतना, क्योंकि अभी आपको लगता है कि हम तो तब कर लेंगे वैकेंसी आने पर कर लेंगे, क्या अब फिर जब 500 क्लास इसमें हो जाएगी 500 क्लास को कर पाओगे, इतना नेट होगा आपके पास बताएगा, इतना नेट होगा एक दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, है एक दो क्लास देखने का नेट होता है एक दिन में, तो लगातार कंटिन्यू चलो ना उसको रिवीजन करते रहो। इसलिए मुझे गुस्सा आता है कि कुछ बच्चे, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे भी प्यार करते हैं, मैं बच्चों से भी प्यार करता हूं, वो अभी तक ज्वाइन नहीं किए, है ना, ऐसे हैं बहुत सारे बच्चे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ज्वाइन करो अभी से, याद करो, अपने आप को कॉन्फिडेंस लो, जैसे जैसे टॉपिक याद होते चले जाएंगे अपने आप को ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस होएगा और ये आएगा कि हम टॉप रैंक के साथ इन वैकेंसीज में सिलेक्शन लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों रिट की, तो इनका तो देखिएगा आ रहा है रिट का जो है दोस्तों पात्रता की तो शायद घोषणा ही चुनाव से पहले कर दें और पात्रता ये फिर इलेक्शन के बाद करवा दें, और मेंस का वैकेंसी भी लगभग दोस्तों जब इनके एग्जाम हो रहे होंगे उससे पहले वैकेंसी आ जाएगा, और वही मतलब जो इस टाइम चल रहा है आज से 1 साल बाद मान के चलो कि एग्जाम हो सकता है रिट मेंस का दोस्तों, तो 1 साल का टाइम भी दोस्तों रिट के लिए मतलब मोर देन सफिशियंट है, और ज्यादा भी नहीं कर सकते कम भी नहीं कर सकते, क्योंकि दिनों दिन कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन दोस्तों कट ऑफ देख रहे हो दोस्तों 200 प्लस जा रही है, 220 प्लस जा रही है, 230 प्लस जा रही है, तो इसमें आपको अब कोई गुंजाइश नहीं कि आप किसी टॉपिक को छोड़ दें, है ना, किसी सब्जेक्ट को छोड़ दें, तो ये सारा ही मैं याद करवा रहा हूँ, ज्वाइन कर लेना अभी से तैयारी शुरू कर दो, वरना फिर देख रहे हो दोस्तों 24 में एग्जाम होंगे, 25 में फिर 26 में वैकेंसी आएगी, 27 में एग्जाम, 28 में, अरे भाई 2030 तक का प्लान बना रखा है क्या, सोचो वक्त ऐसे ही गुजर जाता है, तो वक्त को सही से यूटिलाइज कीजिएगा दोस्तों, मेरा तो यही है, वरना वक्त का अगर वक्त की कदर नहीं करोगे ना वक्त आपको बेकदर कर देगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो वक्त की, और ये सोना आलस त्याग दो कुछ दिनों के लिए दोस्तों, क्योंकि ये मोटिवेशन है ना और कहीं से नहीं आएगा। मैं आपको पता है मैं कभी भी मोटिवेशन कोट नहीं गाता हूं, कहता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है मोटिवेशन दो ही चीजों से आता है कि अपने माँ बाप का जो संघर्ष है उनको रिटायरमेंट देना है, और दूसरा जब आपका बेटा स्कूल जाए या कहीं भी जाए तो वो कहे कि हाँ मैं इस बाप की औलाद हूँ, इस माँ की औलाद हूँ, मेरा बाप फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, मेरा बाप ये है वो है, जिंदगी में कुछ भी बड़ा करो ना कि उनको कुछ भी खरीदने से पहले सोचने की जरूरत ना पड़े। आप एक 10,000 की प्राइवेट नौकरी कर रहे हो या आप दोस्तों 80,000 रुपये फर्स्ट ग्रेड में उठा रहे हो, आप 80,000 जिस दिन कमाओगे ना उस दिन आपको किसी भी प्रकार की चीज लेने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बच्चे कुछ भी मांगेंगे आप उठा के दे दोगे उसको, और जब 10,000-20,000 में मतलब क्या जिंदगी काट रहे होंगे ना कुछ नहीं खरीद पाओगे, सब जिंदगी काट रहे होंगे, दाल रोटी खा रहे होंगे दोस्तों, हालांकि सभी दाल रोटी खाते हैं, लेकिन जो आज की महंगाई बढ़ गई ना, अगर आपको टी शर्ट लेना है, कपड़े लेना है, और बच्चों की बहुत सारी विशेष होती है, उनको पूरा तभी कर पाओगे जब सरकारी दामाद ये भवन पाओगे, ना कहने का मतलब ये है कि मम्मी पापा को रिटायरमेंट देना है और आने वाली जो अपनी पीढ़ी है उसको सारी सुख सुविधाएं देनी है कि सोचने की जरूरत नहीं पड़े, उसके लिए आपको आज पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आज से लग जाओ, चाहे जहीं से भी पढ़ रहे हो, मैं नहीं कहता कि जीके याद गारंटी पेज ज्वाइन करो, लेकिन मेरा जीके याद गारंटी पेज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आया ही क्यों जीके याद करवाने के लिए, और इतना बेहतर पका पका आपको जीके याद करवा रहा हूं, तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है, ये कर लो, है ना, बाकी तो ये होना है, बाकी निश्चिंत रहेगा पद बढ़ के ही आएंगे, ठीक है दोस्तों। और लगातार अपना पॉलिटी चल रहा है दोस्तों, राजस्थान हिस्ट्री करवा दिया है, राजवंश करवा दिया, मैंने निपटा दिया है, आधुनिक राजस्थान निपटा दिया है, हिस्ट्री चल रहा है, वो पॉलिटी चल रहा है दोस्तों राजस्थान का, और 2-3 दिन बाद इंडिया पॉलिटी भी शुरू कर देंगे, 10 दिन में पॉलिटी खत्म कर देंगे और करंट अफेयर्स आर्थिक समीक्षा वगैरह बजट वजट सर कर देंगे। और फिर कह रहा हूँ नया जीके, अब ये मत सोचना कि सर आप नया जीके नहीं कराओगे इस बेच में हमारा तो पुराना हो जाएगा, भाई नया जीके भी अपडेट करके इसी में याद करूंगा, आपका दोबारा पैसा नहीं लगने दूंगा, 1 साल की वैलिडिटी है, ठीक है, इतना वादा करता हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं शाम को क्लास ऐप पर दोस्तों, ठीक है, आज मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता और मंत्री परिषद होने वाला है, ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, तो निश्चित रहो, मजे करो, ठीक है।